ऑर्डर ट्रांजिस्टर क्वेश्चन में हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, एक ट्रांजिस्टर गिवन है जिसमें इनपुट वोल्टेज VI जो है वो 20 वोल्ट है, बेस और एमिटर का जो जंक्शन है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 गिवन है, और कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के अक्रॉस भी पोटेंशियल का डिफरेंस 0 गिवन है। वैल्यूज पूछी गई हैं बेस करंट, कलेक्टर करंट और करंट गेन की। तो हमें ये पता है VBE की वैल्यू होगी VB माइनस VE, जिसमें VE जो है वो 0 है क्योंकि हमने एमिटर को अर्थ कर रखा है। तो क्योंकि VE 0 है तो इसका मतलब VBE भी 0 होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें गिवन है 20 वोल्ट और बेस का जो पोटेंशियल है वो हमने 0 निकाल लिया है, तो हम सीधा सीधा करंट निकाल सकते हैं। बेस करंट जो है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो हमें गिवन है 500 किलो ओम। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे VI माइनस VB डिवाइडेड बाय R, ये R RB के बराबर होगा यानी 500 किलो ओम के बराबर होगा। अब वैल्यू फिल करनी है 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 500 इन 10 की पावर 3। आप देखिए 20 बाई 500 इन 10 की पावर 3 से सॉल्व करेंगे, वैल्यू आती है 4 × 10⁻⁵, जिसे आप रीअरेंज करके 40 लिखेंगे तो 40 × 10⁻⁶ हो जाएगा, यानी कि ये 40 माइक्रो एम्पियर बनेगा। तो आई भी हमारे पास आया 40 माइक्रो एम्पियर, यानी फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अब हम वी सी ई निकाल लेते हैं, वो भी वैल्यू 0 गिवन है हमें क्वेश्चन में, वो आएगी वी सी माइनस वी के बराबर, बट हमें गिवन है कि VE 0 है यानी वी सी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो अब वी सी की वैल्यू 0 है और ये पॉइंट जो है इसकी पोटेंशियल हमें गिवन है 20 वोल्ट, तो ये आउटपुट वोल्टेज होगी और इसकी वैल्यू 20 वोल्ट मेंशनड है, और इन दोनों के बीच में आर सी की वैल्यू हमें गिवन है 4 किलो ओम। तो हम सीधे सीधे फिर से आई सी का फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस दैट इज़ आर सी 4 किलो ओम, और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है 20, इसका पोटेंशियल ये पोटेंशियल है 20 और इसका पोटेंशियल सी का है 0। तो यहाँ पे ये वी भी नहीं, ये वी सी है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है 20 माइनस वी सी बाय आर, आर इज़ आर सी हेयर दैट इज़ 4 किलो ओम। वैल्यू फिल कर देते हैं 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 × 10⁻³। तो जब इसे सॉल्व करते हैं आपके पास आता है 5 × 10⁻³-3, 20/4 = 5, 10⁻³ जो है ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, यानी ये आपके पास आया 5 मिली एम्पियर। तो ये दोनों ऑप्शन हमें गिवन थे फोर्थ ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर फोर्थ ही होना चाहिए, बट हम एक बार बीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। तो बीटा की वैल्यू होती है आई सी बाय आई बी, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, करंट गेन जो है उसकी वैल्यू आएगी 5 × 10⁻³-3 डिवाइड बाय 14 × 10⁻⁶। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आती है 125। 5/40 1/8 आएगा, 10⁻³, 10⁻⁶ ऊपर जाके +6 हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 125, जो गिवन था हमें ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4।